हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी और फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ये भी एक थ्योरम है जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं, एज वेल एज ये थ्योरम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। प्लीज फोकस ऑन द थ्योरम। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ अ रिमेनिंग साइड। हमेशा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग होते हैं, बट हमें क्या करना है, जैसे स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाते चलने हैं, राइट? सो लेट्स सी क्या है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल वर्ड दिया गया है, इट मीन्स हमें ट्रायंगल बनाना है। सो लेट्स मेक अ ट्रायंगल। ये रहा यहाँ पे ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, ओके? पर क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर। तो चलिए हम लोग एंगल क्यू का बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा बाइसेक्टर क्यू एल, ओके? एंगल क्यू का बाइसेक्टर कौन है, क्यू एल। The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to angle in the ratio of the remaining side. मतलब triangle के एक angle का bisector, okay? ये bisector क्या करता है, angle की opposite side को divide करता है। Divide करता है तो किसी भी ratio में वो divide करता है, दो equal parts में divide नहीं करता। ये नहीं बोला गया है कि इस बाइसेक्टर ने एंगल के ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट वर्ड नहीं यूज किया है, बस ये बोला गया है डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू एंगल, एंगल के ऑपोजिट साइड को वो डिवाइड करता है। तो डिवाइडेशन का रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:3, 2:4, 1:2, कुछ भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पी एस एंड एस आर इक्वल है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे, ओके? पर इशू क्या है कि जो एंगल का बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है, और जो रेशियो बनता है डिवाइड करने के बाद जो रेशियो बनता है वो रेशियो इक्वल होता है किसके साथ, ऑफ द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड किसकी, रिमेनिंग साइड ट्रायंगल की, रिमेनिंग साइड मतलब ये जो दो रिमेनिंग साइड है क्यू पी एंड क्यू आर, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा पी एफ एंड एस आर के साथ, ओके? तो देखिए यहां पे हम लोग अब राइट करेंगे, सबसे पहले गिवन मतलब देखिए एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या बताती है, पी क्यू अपॉन पी आर, दोनों साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू ये जो डिवाइडेशन है वो पी एस अपॉन एस आर। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हमेशा यही बताएगी, जब भी आप सम सॉल्व करोगे आपको यही राइट करना है, पर अब हमें ये देखना है कि इसे प्रूव कैसे करें, ये प्रूव करना पड़ेगा तभी हम लोग इसे सच मान सकते हैं। तो देखिए इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू एस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, राइट? पी क्यू आर का बाइसेक्टर कौन है, क्यू एस, ओके? आफ्टर दैट क्यू एस डिवाइड साइड पी आर सच दैट, क्यू एस क्या कर रहा है, पी आर को इस तरीके से डिवाइड करता है कि पी एफ एंड आर ये कोलिनियर बन जाएंगे, पी एफ एंड आर ये रहा कोलिनियर। अब हमें राइट करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है। तो ये रहा पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। तो इसके लिए भी हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि इस पॉइंट एस से पॉइंट आर के थ्रू
हमें QS को एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो देखिए ये यहाँ पे हम लोग पॉइंट R से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। अब मैं इस लाइन को थोड़ा डार्क करती हूँ। ओके देखिए ये QS एंड ये लाइन पैरेलल है। अब क्या बोला है कि PQ को इस तरीके से एक्सटेंड करो कि वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर सके। ओके देखिए PQ को भी हमने इंटरसेक्ट कर दिया है। अब जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये यहां पे क्या है M। ओके तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग यही राइट करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे राइट करेंगे ड्रॉ लाइन पैरेलल टू QS थ्रू पॉइंट R। पॉइंट R से QF को एक लाइन पैरेलल बना दीजिए। तो देखिए QF को हमने R से ये QM पैरेलल बना दी। ओके उसके बाद PQ को एक्सटेंड करो। तो यहां पे राइट करेंगे एक्सटेंड PQ। PQ को एक्सटेंड करो वो इस जो पैरेलल लाइन बनानी है उसे इंटरसेक्ट करने तक। टू इंटरसेक्ट द लाइन एट M। ओके जो QS को हमने पैरेलल लाइन बनाई उस लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए PQ को एक्सटेंड करो। ओके और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए नेम क्या दे दो M। सच दैट और PQ को इस तरीके से एक्सटेंड करो कि P Q एंड M ये क्या होंगे कोलिनियर बन जाएंगे। सच दैट P U and M, is it clear? अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब हम लोग राइट करेंगे प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में हमें क्या चाहिए, क्या प्रूफ करना है। PQ upon QR is equal to PS upon SR। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, वो हमें कौन से ट्रायंगल्स में मिलेंगे या फिर कहाँ पे मिलेंगे ये हमें देखना है। तो देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल पी एम आर की बात करें, देखिए पी एम आर आप देख सकते हो, तो पी एम आर में क्या होगा क्यू एस एंड आर एम पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे राइट करेंगे इन अ ट्रायंगल पी एम आर क्यू एस पैरेलल एम आर, राइट। बिकॉज हमने देखिए यहाँ पे वही बोला था कि क्यू एस को पैरेलल ये एम आर बनाई है, तो PMR में QS एंड MR दोनों पैरेलल हैं। अब देखिए ये QS ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, राइट। दूसरे दो साइड को PMR की साइड कौन सी है, PMR की साइड है एक है PM दूसरी है MR एंड PR, राइट। तो देखिए QS क्या है MR को पैरेलल है, जो दूसरी बची हुई साइड कौन है PM एंड QR उनको ये QS क्या कर रही है डिवाइड कर रही है Q एंड S में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए QS इज पैरेलल MR, तो यहाँ पे देखिए साइड लाइन इस साइड को पैरेलल है और इन दोनों को डिवाइड कर रही है, तो PQ PQ अपॉन QM, राइट। रेशोज इक्वल मिलते हैं इज इक्वल टू PS अपॉन SR। ये क्या है बी पी टी, दिस इज आवर फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए हमें क्या चाहिए था पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। देखिए हमें राइट हैंड साइड पी एस अपॉन एस आर पूरी मिल गई है, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर पी क्यू वो भी मिल गया है,
बस प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे क्यू आर है एंड यहाँ पे क्यू एम है, हमें इस क्यू एम को क्यू आर में बदलना होगा, बाकी सब कुछ तो हमारे पास है ही, बस क्यू एम को क्यू आर में बदलने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा क्यू एम एंड क्यू आर दोनों इक्वल है। और इनको इक्वल कैसे दिखाएंगे, अब हम लोग ये देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो ये तो हमने राइट कर लिया, अगेन यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे क्यू एस एंड एम आर पैरेलल है, तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे क्यू एस पैरेलल एम आर, और उनकी ट्रांसवर्सल क्या होगी, तो देखिए क्यू एस पैरेलल एम आर और उनकी ट्रांसवर्सल होगी पी एम। ओके, तो पी एम इज ट्रांसवर्सल। जब दो लाइंस पैरेलल हो और उनकी ट्रांसवर्सल हो तो हमें हमेशा एंगल पेयर ऑफ एंगल्स मिलते हैं, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, अल्टरनेटिव मिलेंगे, ऑपोजिट मिलेंगे, इंटीरियर मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए क्यू एस एंड एम आर पैरेलल है, देखिए ये ऐसे, एंड पी एम उनकी ट्रांसवर्सल है, तो पी एम ट्रांसवर्सल बनने के कारण हमें पी क्यू एस एंड क्यू एम आर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। अब पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हैं, ये हमने लास्ट ईयर नाइन्थ में ही पढ़ा था। ओके, तो देखिए पी क्यू एस एंड क्यू एम आर, देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये यहाँ पे ऐसी पी क्यू है, ओके, एंड यहाँ पे ऐसी हमारी आर एम है। ओके, एंड देखिए सॉरी क्यू एस, क्यू एस है एंड ये आर एम है, एंड ये देखिए ये पी एम उनकी ट्रांसवर्सल है, देखिए ये ऐसी। ट्रांसवर्सल जो है जो इस तरीके से क्यू से जा रही है। ओके, तो देखिए अगर इस क्यू एस को हम लोग थोड़ा और ग्रो करें इसको, तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन एंड ये उनकी ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के कारण यहाँ पे हमें पी क्यू एस एंड क्यू एम आर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू एम आर, यहाँ पे राइट करेंगे हम लोग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रहा हमारा सेकेंड। अगेन देखिए यहाँ पे अगेन नेक्स्ट टाइम हम लोग यही राइट करेंगे क्यू एस पैरेलल एम आर, पर दिस टाइम जब सेकेंड हमने किया तब पी एम ट्रांसवर्सल दी थी, अब हम लोग ट्रांसवर्सल क्यू आर लेंगे। क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, तो देखिए अब क्यू आर अगर ट्रांसवर्सल होगी तो देखिए यहाँ पे कौन है क्यू एस, ये रही हमारी क्यू एस, ये यहाँ पे है आर एम, राइट, देखिए क्यू एस एंड आर एम, और ये यहाँ पे उनकी क्यू आर ट्रांसवर्सल है इस तरीके से, राइट। तो देखिए इस ट्रांसवर्सल के कारण हमें एस क्यू आर एंड क्यू आर एम ये क्या मिलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल एस क्यू आर कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू आर एम, ये होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये मिला हमें थर्ड। ओके, स्टिल इस क्यू एम को हम लोग क्यू आर में नहीं बदल पाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग ये जानते हैं कि क्यू एस जो है एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग ये राइट करेंगे क्यू एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रीएंगल, सॉरी ऑफ अ एंगल पी क्यू आर।
देखिए पी क्यू आर का क्यू एस बाई सेक्टर है और इस बाई सेक्टर के कारण पी क्यू एस एंड एस क्यू आर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू आर के एंगल पी क्यू आर के क्यू एस ने दो पार्ट बनाए, एक ये एंड एक ये, राइट। पर बाई सेक्टर है, बाई सेक्टर मतलब क्या कि एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट एंगल एस क्यू आर, ये मिला हमें फोर्थ। अब देखिए सेकेंड में हम लोगों ने क्या बोला, पी क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एम आर। थर्ड में हम लोग बोल रहे हैं एस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम, एंड फोर्थ में हम लोग बोल रहे हैं पी क्यू एस इज इक्वल टू एस क्यू आर। मतलब सेकेंड एंड थर्ड की जो लेफ्ट साइड है पी क्यू एस एंड एस क्यू आर, ये लेफ्ट साइड हमने फोर्थ में इक्वल दिखाई है। अगर पी क्यू एस एंड एस क्यू आर इक्वल है तो डेफिनेटली क्यू एम आर एंड क्यू आर एम भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे फ्रॉम टू थ्री एंड फोर क्या होगा, क्यू एम आर कॉन्ग्रेंट क्यू आर एम, एंगल क्यू एम आर कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू आर एम, ये रहा हमारा फिफ्थ। ओके, फिर भी अभी तक हम लोग क्यू आर एंड क्यू एम इक्वल नहीं दिखा पाए। तो इसके लिए अब देखिए क्यू एम आर एंड क्यू आर एम ये कॉन्ग्रेंट है, ये देखना है कि क्यू एम आर एंड क्यू आर एम कौन से ट्रिएंगल में आते हैं। तो देखिए क्यू एम आर एंड क्यू आर एम ये दोनों भी एंगल ट्रिएंगल क्यू एम आर में आते हैं। तो यहां पे हम लोग राइट करेंगे इन अ ट्रिएंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर में देखिए क्यू एम आर, ओके क्यू एम आर में ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो यहां पे राइट करेंगे एंगल क्यू एम आर कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू आर एम, ये राइट करेंगे हम लोग फ्रॉम फाइव। अब देखिए क्यू एम आर एंड क्यू आर एम ये एक ही ट्रिएंगल के ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। और नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था कि अब कॉन्ग्रेंट एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। ये हमने पढ़ा था कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रिएंगल में। तो देखिए क्यू एम आर एंड क्यू आर एम ये दोनों कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी। तो क्यू एम आर, देखिए क्यू एम आर, क्यू एम आर, क्यू एम आर की ऑपोजिट साइड कौन है, क्यू आर, तो उसे राइट करेंगे क्यू आर कॉन्ग्रेंट क्यू आर एम की ऑपोजिट साइड, क्यू आर एम की ऑपोजिट साइड है क्यू एम, तो ये रहा यहां पे क्यू एम। यहां पे हम लोग राइट करेंगे कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रिएंगल, ओके देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि क्यू आर, हमें हमारे पास क्यू एम था, बस इस क्यू एम को हमें क्यू आर में कन्वर्ट करना था, तभी हम लोग हमारा जो प्रूफ करना है वो मिल प्रूफ कर पाते। तो अब हमने क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर शो कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे इसे सिक्स एंड फ्रॉम वन एंड सिक्स, वन एंड सिक्स से क्या होगा, देखिए वन में क्या दिया गया है पी क्यू अपॉन क्यू एम, और सिक्स में हम लोग बोल रहे हैं क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर। तो वन में जहां पे क्यू है क्यू एम है वहां पे हम लोग क्यू आर राइट कर सकते हैं, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर, ये हमें ये प्रूफ मिल गया। तो ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ट्रिएंगल। अब देखिए क्या है कि अगर कोई ट्रिएंगल का एंगल बाइसेक्टर है और वो एंगल बाइसेक्टर उस एंगल के ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है, तो उनका जो डिवाइडेशन रेशियो है वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। इसीलिए देखिए पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर, ये है एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड भी हमें बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं।
अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, विच इज टू इजी, बहुत इजी है। आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स। मैंने पहले भी बोला था कि कॉन्वर्स क्या होता है, थ्योरम के एग्जैक्ट अपोजिट होता है। सो लेट्स सी कि हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर, याद रखिए थ्योरम में सीखिए, देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर इसे डिवाइड करता है, अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, तो ये डिवाइडेशन रेशो इन दोनों साइड के डिवाइडेशन रेशो से इक्वल होगा, राइट। तो कॉन्वर्स में क्या होगा कि इफ PQ upon QR is equal to QS upon SR, मतलब अगर ये is equal to, sorry, इन दोनों का रेशो is equal to इन दोनों का रेशो होगा, then QS is bisector of angle P of angle QPR, sorry, PS, PQ upon PR होना चाहिए, sorry, PQ upon PR is equal to QS upon SR। तो अगर ये equal होगा तो PS जो है वो QPR का bisector होगा। ये है कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ये है कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई होप आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये बहुत इजी है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर ये रेशोज इक्वल आ गए तो जो पीएस है वो इस एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर बन जाएगा। आई होप आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे दिया है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है थ्री पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी एंड देयर सेगमेंट देयर ट्रांसवर्सल। स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। अगेन स्टेटमेंट फिर से कंफ्यूजिंग मिल गया। तो देखिए एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले थ्री पैरेलल लाइंस बनाते हैं, बिकॉज यहाँ पे दिया है थ्री पैरेलल लाइंस। जैसे स्टेटमेंट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं। सो लेट्स सी, पहले थ्री पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। ओके, ये तीन पैरेलल लाइंस मिल गई है, ए बी सी। अब देखिए इन तीन पैरेलल लाइंस की पहले एक ट्रांसवर्सल है जो कि है पी। ओके, अब ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, एक्स वाई एंड जेड में उन्हें इंटरसेप्ट कर रही है। सॉरी, एल एम एन राइट करते हैं, एल एम एंड एन में इंटरसेक्ट कर रही है। अब दूसरी ट्रांसवर्सल है क्यू, ओके, जो कि एक्स वाई एंड जेड में इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए क्या है, ये कैसे है, देखिए द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस। तीन पैरेलल लाइंस के एक ट्रांसवर्सल ने जो इंटरसेप्ट करने के बाद जो रेशियोज मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3, मतलब ए बी सी पैरेलल लाइंस को जब पी ने इंटरसेक्ट किया तो हमें रेशियो मिले एल एम एंड एम एन। ये रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं किसके साथ, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड बाय एनी अदर ट्रांसवर्सल। इन्हीं इंटरसेप्ट को जब दूसरे ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया तब जो रेशियो मिलते हैं वो इक्वल है, मतलब P के कारण जो रेशोज मिले हैं एल एम अपॉन एम एन वही रेशो इक्वल होंगे जो Q के कारण मिले हैं एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। ये है थ्री पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे गिवन में क्या राइट करना है, लाइन A पैरेलल लाइन B
पैरेलल लाइन सी. ओके, यहां पे राइट करेंगे ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट द लाइन लाइन्स ए बी सी एट पॉइंट एल एम एन एंड. दूसरी ट्रांसवर्सल कौन है? क्यू. ट्रांसवर्सल क्यू इंटरसेक्ट लाइन ए बी सी एट पॉइंट एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हम लोग यहां पे राइट करेंगे टू प्रूव प्रूव ये करना है ये जो इंटरसेप्ट मिले हैं, ये जो रेशोज मिले हैं वो इक्वल हैं. तो यहां पे राइट करेंगे एल एम अपॉन एम एम एन इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. देखिए अब यहां पे प्रूफ करने के लिए हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. एल जेड हम लोग ज्वाइन करेंगे. और ये एल जेड एम वाई को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग नेम देंगे के. तो यहां पे राइट करेंगे ज्वाइन एल जेड. ओके, एंड देन एल जेड एल जेड इंटरसेक्ट द एम वाई इंटरसेक्ट एम वाई. एल जेड क्या कर रहा है? एम वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एट के. और वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि एम के वाई ये भी कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे एंड एल के जेड ये भी कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे. एल के जेड इज इट क्लियर? अब हम लोग राइट करेंगे प्रूफ. प्रूफ में देखिए अगर यहां पे हमें देखिए इस एल जेड के कारण यहां पे हमें दो ट्रायंगल्स मिले हैं. एक मिला है एन एल जेड या फिर एल एन जेड और दूसरा ट्रायंगल मिला है एल एक्स जेड. ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एल एन जेड ट्रायंगल की बात करते हैं. बिकॉज हमें क्या चाहिए? एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स जेड. तो एल एम अपॉन एम एन कहाँ पे मिलेंगे हमें? एल एम अपॉन एम एन हमें मिलेंगे ट्रायंगल एल एन जेड में. जो प्रूव करना है वो कहाँ पे मिलता है ये पहले आपको सोचना पड़ेगा. तो एल एन जेड में तो यहाँ पे राइट करेंगे इन अ ट्रायंगल एल एन जेड. तो एल एन जेड में देखिए एम के जो है वो एन जेड को पैरेलल है. क्यों एम के पैरेलल है? बिकॉज देखिए बी एंड सी ये दोनों पैरेलल है. अब देखिए ये एम के रहे या एम वाई रहे ये बी पे ही है. तो मतलब अगर बी सी के साथ पैरेलल है तो एम के भी एन जेड के साथ पैरेलल हो जाएंगे. तो यहां पे हम लोग राइट करेंगे एम के पैरेलल एन जेड. अब देखिए एल एन जेड में एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, वही लाइन ट्रायंगल के दूसरे दो साइड को डिवाइड भी कर रही है. जैसे कि देखिए एल एन को एम के एम में इंटरसेक्ट कर रही है एंड एल जेड को के में इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एल एम अपॉन एम एन
इज इक्वल टू एल के अपॉन के जेड, ये मिला हमें फर्स्ट, और रीजन देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट देखिए, दूसरा ट्रायंगल है एल एक्स जेड, तो यहां पे राइट करेंगे इन अ ट्रायंगल एल एक्स जेड, एल एक्स में देखिए के वाई जो है वो एल एक्स के साथ पैरेलल बन जाएगा, राइट। तो यहां पे राइट करेंगे के वाई पैरेलल एल एक्स। अब जब ये के वाई एल एक्स के साथ पैरेलल बन जाएगा, और देखिए ये क्या, ये के वाई क्या कर रही है, जैसे कि एल एक्स जेड की दूसरी दो साइड एक्स जेड एंड एल जेड इनको के एंड वाई में इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एल के अपॉन के जेड, एल के अपॉन के जेड इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड, एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ये रहा सेकेंड, और यहाँ पे भी रीजन होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए हमें जो चाहिए था एल एम अपॉन एम एल वो भी मिल गया है, एक्स वाई अपॉन वाई जेड वो भी मिल गया है, पर इन दो, ये दोनों हमें अलग अलग पार्ट्स में मिले हैं, हमें इन्हें इक्वल शो करना है। इक्वल कैसे शो करेंगे, देखिए एल एम अपॉन एम एन जो है वो एल के अपॉन के जेड के साथ इक्वल है, और यही एल के अपॉन के जेड एक्स वाई अपॉन वाई जेड के साथ इक्वल है, मतलब फ्रॉम वन एंड टू हम लोग ये कह सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में भी एल के अपॉन के जेड कॉमन है, इसका मतलब एल एम अपॉन एम एन एंड एक्स वाई अपॉन वाई जेड ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। आई होप आप ये थियरम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।